एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो इसके ऊपर भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं हर जगह, नीट, मेंस, एनसीईआरटी, सब जगह फॉर्मूला हमें पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर दो लाइट्स हैं और दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट आई नॉट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने आपको करवाई थी 4 I0 cos² 5/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना था जब हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी। तो कई बुक्स सीधा ये फॉर्मूला लगाती हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, लेकिन मैं ये लगाऊंगा, एक ही बात है दोनों में, क्योंकि 1 cos 5 क्या होता है 2 cos² 5/2, एक ही बात है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 plane मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैं एंड प्रोपगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, हैज एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, और फेज डिफरेंस कितना है π/3, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, कितना आसान है, a² b² 2ab cos 5। ठीक हो गया यहाँ तक। जैसे ये क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i इंटरफेरेंस पैटर्न में है, आपको निकालना है इंटेंसिटी उन पॉइंट्स पे निकालो जहां पर फेज डिफरेंस 0 है, π/2 है और पाई है। तो क्या करेंगे इसमें, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला में मालूम है, इसके अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी में i की जगह i और I2 की जगह 4i, तो आपके पास ये i और 4i पुट करके ये आंसर आ जाएगा। आपको 3 केस गिवन है, पहले केस में फाई क्या है 0, तो इस फॉर्मूले में फाई को 0 पुट कर दो, cos 0 1 है आंसर। दूसरे केस में फाई क्या है π/2, तो इसकी जगह π/2 पुट कर दो, cos π/2 0, आंसर 5i। तीसरे केस में फाई क्या है पाई, cos π -1 होता है, 5i - 4i i। सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है जिसमें 5 पुट करते जाएंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? पर देखना यह है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, यंग एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन निकालो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो, और वेयर द पावर डिफरेंस लैम्डा इज के, सॉरी निकालो नहीं, वो कह रहे देर है कि जहां पर पावर डिफरेंस लैम्डा है वहां इंटेंसिटी के है, आई की जगह उसने रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी दे दी के। वो कह रहे इंटेंसिटी निकालो जहां पर पाथ डिफरेंस λ/4 है, λ/3 और λ/2। एक काम करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिखो। लिख लिया, अब वो क्या कह रहा है कि YDSC में 2 सोर्स हैं, दोनों सोर्स से इंटेंसिटी मान लो I0 I0 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सीधा लिख लो, इसकी जगह सीधा ये लिख लो एज्यूमिंग कि दोनों सोर्सेज से इंटेंसिटी की वैल्यू I0 I0 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अब इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी में, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखना, इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी में आपको फाई कितना गिवन है 2π। वो कह रहे हैं कि जब ये 2π है, 2π/2 क्या होता है पाई, और cos π - 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, लेकिन वो कह रहे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है k। तो एक क्वेश्चन में गिवन है ऊपर क्या गिवन है कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, देखो ना जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2π, इसलिए मैंने 2π यूज किया। तो जब फेज डिफरेंस 2π है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 आया था, 4I0 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया k। ये स्टेप क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर 4I0 की जगह k। ठीक हो गया। अब पहला पार्ट है, अगर पार्ट डिफरेंस λ/4 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो, लैम्डा का मतलब 2π, 2π/4 is π/2। तो इस फॉर्मूले में 5/2 में फाई कितना, π/2 का हाफ क्या π/4, cos 45 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सॉल्व करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई 2I0, पर I0 यहाँ से किसके इक्वल है k/4, तो I0 की जगह k/4 × 2 is k/2। स्टेप समझ में आया? तो आपको अपना आंसर किस फॉर्म में देना है, I0 की फॉर्म में देना नहीं है, आपको अपना आंसर k की फॉर्म में देना है। तो जैसे अगला फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस λ/3, लैम्डा का मतलब 2π/3, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें 4I0, 2π/3 को 3 से 2π/3 को 2 से डिवाइड करेंगे π/3, तो 1/2 का स्क्वायर इज हाफ I0 आ गया, लेकिन I0 किसके इक्वल है ऊपर से k/4 आंसर। तो कैसे सॉल्व करना अपना आंसर k की फॉर्म में, क्लियर है? तो ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इन फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, 11th क्वेश्चन देखो।
फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक है, हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे फाई क्या होता है बताओ, दो सोर्सेज हैं, सेंटर पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है जीरो, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वेव्स, तो फेज डिफरेंस क्या होता है जीरो, क्योंकि इक्विडिस्टेंट होती हैं सेंटर पे, राइट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला पता है, फाई की जगह जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी सेंटर पे फोर आए, तो एक इंटेंसिटी आ, तो इसने ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने वो यूज कर लिया की बात है, ठीक हो गया यहाँ तक, तो ये सेंटर पे आ गई। अब क्या कह रहे हैं, किसके साथ निकालनी है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर, वन क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ ऑफ क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर, ठीक। अब ये नहीं आपको मालूम, क्योंकि आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फाई चाहिए होता है। तो अंडरलाइन करो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस इज टू पाई, तो दो एक साथ जब एक फ्रिंज के बाद दूसरी फ्रिंज बनती है ना, तो फेज डिफरेंस टू पाई का फर्क हो जाता है। ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि जैसे एक वेव है एक फ्रिंज पे गिरी, जब अगली फ्रिंज पे जाएगी तो उसका फेज डिफरेंस कितना चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो नंबर ऑफ वेव बढ़ेंगी, तो हर एक ऊपर जाने में नंबर ऑफ वेव कितनी बढ़ती है टू पाई, तो दो फ्रिंजेस में फेज डिफरेंस कितना हो गया टू पाई, उसने क्या कहा वन क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब टू पाई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा फोर, टू पाई को फोर से डिवाइड करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना आएगा पाई बाय टू, क्लियर है। तो रिजल्ट अगर याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पाएंगे तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वो जो ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में फाई की जगह पाई बाय टू का आधा पाई बाय फोर, पाई बाय फोर 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 बाय टू, सॉल्व करके 2 आई नॉट आंसर, तो रेशियो निकाल लेना। मतलब मेन पॉइंट इसमें यही था जो आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन के बाद ये वाले क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखो ये सारे होमवर्क ही तुम्हें चाहिए क्वेश्चन आके, ठीक है यहाँ तक।